देखिए ये निकला हुआ साफ साफ दिख रहा है और इसका कुछ भी नहीं दिखता है, सो ये बहुत ही बेकार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मिंत्रा वर्सेस मीशो हाउल शेयर करने वाली हूँ। ये जो दो कुर्ता सेट है वो मैंने मिंत्रा और मीशो अलग अलग वेबसाइट से परचेस किए हैं, सो इन्हीं का रिव्यू मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं, वो सब कुछ आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और ऐसे ही नए वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मीशो का कुर्ता सेट का कुर्ता। ये मैंने कुछ अंडर 500 रुपीज़ में इसे परचेज किया था, बहुत पहले मैंने इसे परचेज किया था। और ये है मिंत्रा वाला कुर्ता सेट, इसे मैंने अभी कुछ दिन पहले परचेज किया है। इन दोनों को पहले से ही मैंने अनबॉक्स करके रखा था। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। ये है इसकी स्लीव्स, 3/4 इसकी स्लीव्स है और राउंड इसका नेक है फ्रंट एंड बैक से। और नेक पे इस तरह की सीक्वेंस की एम्ब्रॉयडरी दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये जो दिख रहा है ये भी सीक्वेंस का एम्ब्रॉयडरी है। इसका कॉटन का फैब्रिक है। और फ्रेंड्स, ये है मिंत्रा से परचेस किया हुआ कुर्ता। मैंने अलग अलग कलर में इसे परचेस किया है। इसका भी सेम फैब्रिक है कॉटन वाला, 3/4 इसकी स्लीव्स है और राउंड नेक है और नेक पे इस तरह की एम्ब्रॉयडरी की है सीक्वेंस वाली थ्रेड की, देख सकते हैं आप। सो फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इन दोनों के डिफरेंस की। ये जो मीशो वाला कुर्ता है इसे मैंने सिर्फ एक बार वॉश किया है और आप देख सकते हैं इस पे इस तरह के कपड़े के गोले आ चुके हैं। मतलब कितनी ख़राब क्वालिटी है इस कुर्ते की, देख सकते हैं। पूरे ही कुर्ते पे इसी तरह के गोले आ चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए कितना ख़राब लग रहा है और यहाँ के सीक्वेंस भी निकल चुकी है, यहाँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी। सो इसकी क्वालिटी मिंत्रा वाले कुर्ते जैसी बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी चीप प्रोडक्ट हैं और आप मिंत्रा वाला देख सकते हैं। इन्हें इसे मैंने बहुत बार वॉश किया लेकिन ये वैसा का वैसा ही है। ये मैंने कुछ 700 रुपीज़ में इसे परचेस किया था, प्राइस का कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस इस वाले कुर्ते से इसकी क्वालिटी अच्छी है और इसका एम्ब्रॉयडरी भी देखिए आप, कहाँ से भी ख़राब नहीं हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा ही अच्छा वर्क है और इसका देख सकते हैं, देखिए ये निकला हुआ साफ साफ दिख रहा है और इसका कुछ भी नहीं दिखता है, सो ये बहुत ही बेकार है। आप इस वाले कुर्ते को ज़रूर परचेस कर सकते हैं और इसको आप बिल्कुल भी परचेस मत कीजिए, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। देख सकते हैं आप कितना प्यारा कुर्ता है। इसे मैंने ग्रीन कलर में परचेस किया था और ये इस तरह की पैंट्स उसके साथ मुझे रिसीव हुई थी। पैंट पे इस तरह की गोटा पट्टी का डिटेलिंग दिया है, देख सकते हैं आप, 1, 2, 3, 4 लाइंस वाला, जो बहुत ही अच्छा लगता है। इस पैंट को हम और अलग अलग कुर्तास पे भी वेयर कर सकते हैं। और ये है मीशो वाले कुर्ता सेट की पैंट। इस पैंट का हाल भी सेम कुर्ते जैसा ही है, धोने के बाद इस पे भी गोले बनाए हैं। आपको कैमरे में नहीं दिखाई दे रहा होगा बट रियल में देखने पे दिखाई देता है। इस पे भी सेम ही वर्क दिया है, आप देख सकते हैं। ये है मिंत्रा वाली पैंट और ये मीशो वाली, कलर का भी कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट मुझे लग रहा है। अब इसके साथ मुझे दुपट्टा रिसीव हुआ है। ये है मीशो वाले कुर्ता सेट का और ये मिंत्रा वाले कुर्ता सेट का, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है।
ये मीशो वाला कुर्ता का दुपट्टा देखिए कितने बेकार क्वालिटी है, कैसे टेसल्स निकल रहे हैं इसके धागे देखिए। ये दुपट्टा है, 2 मीटर का दुपट्टा दिया है और दुपट्टे में इस तरह के गोल्डन कलर के सिल्क वाले थ्रेड दिए हैं चेक्स बना के, सो अच्छा है। और ये मिंत्रा वाले सेट का दुपट्टा, इसकी डिज़ाइन देख सकते हैं कितना अच्छा इस पर काम किया है इन्होंने देखिए। और इस पर भी सेम वैसे ही टेसल्स दिए हैं, सो क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, देखिए ये मीशो वाला सेट और ये मिंत्रा वाला, देख सकते हैं आप ये देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है। इस पर पूरे गोले गोले बने हैं, पहनने पे इसका ओवरऑल लुक कैसा आता है वो आप ट्रायल में देख सकते हैं। तो यही था इसका डिफरेंट। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।